हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो एट द सर्जरी सर्जरी में द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। तो हाउस होल्ड डॉग्स, जहाँ कुत्ते रहते हैं, सर्ज अराउंड मी, लेखक को आसपास से घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइज पैक विद डल आइज। तो ट्रिकी जो होता है वो शोरगुल कर रहे समूह को सुस्त निगाहों से देखता है। वेन पुट डाउन ले होम मोशनलेस ऑन द कॉर्पेट। और उसको वेन पुट डाउन, जब उसको लेखक राइटर जो है उसको जब नीचे रख देता है, तो ले मोशनलेस ऑन द कॉर्पेट, तो कॉर्पेट पर वो स्थिर ले हो जाता है, लेट जाता है। द अदर डॉग्स, जो दूसरे और डॉग्स हैं, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड तक उसके आसपास स्निफिंग करते हैं। स्निफिंग मीन्स होता सूंघने, सूंघते हैं। तो सूंघने के बाद डिसाइडेड, वो सब डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं। ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वह अनइंटरेस्टिंग मीन्स देयर इज नो इंटरेस्ट, कि उसमें कोई रुचि नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर देते हैं, मतलब जो है गो अवे हो जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन। तो आई, यहाँ लेखक जो है, राइटर है, वो उसके लिए लूज बॉक्स में गर्म एक बेड बनाता है, बेड लगाता है नेक्स्ट टू द वन जहाँ और कुत्ते रहते हैं, उसके पास में ही। वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ और दूसरे डॉग्स स्लेप्ट करते हैं, मतलब जो सोते हैं, वहाँ बेड लगाता है राइटर। फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिनों तक, केप्ट एन आई मीन्स होता निगाह रखना, तो 2 दिनों तक राइटर उस पर निगाह रखता है। गिविंग हिम नो फूड, फूड उसको नहीं देता है, भोजन नहीं देता है, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए देता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन तक ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वो कुछ रुचि दिखाने लगा इन ही सराउंडिंग्स, अपने वातावरण में। तो वो अपने वातावरण में कुछ रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर। विम्पर मीन्स होता है धीरे धीरे भौंकना, तो धीरे धीरे भौंकने लगा। वेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो यार्ड मीन्स में जा कुत्ते लोग रहते थे, आंगन जो था, वहाँ जब कुत्ते की आवाज़ सुना, तो वो भी धीरे धीरे भौंकने लगा। वेन आई ओपन्ड द डोर, जब राइटर डोर को ओपन करता है, खोलता है, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी जो है बाहर आता है दौड़ करके। एंड वाज इमिडिएटली एनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और इमिडिएटली तुरंत एट वंस जो है एनगल्फ्ड, उसमें शामिल हो जाता है बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो फ्रेंड होते हैं सब में वो इनगल्फ हो जाता है, शामिल हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और बाद में, आफ्टर बाद में रोलिंग करता है, लुढ़कने लगता है। एंड थ्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम, और जो थ्रॉली मीन्स कंप्लीटली, उसके जो उसको सब डॉग्स जो है इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसका सर्वे करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और जो डॉग्स इस इंस्पेक्टिंग करके, उसका सर्वे करके, चेक करके, तो डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, वो गार्डन गार्डन अर्थात बगीचे में मूव ऑफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रेकी भी उनके पीछे पीछे, फॉलोड मीन्स परस्यूएट करना, वो पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट,
और उस स्लाइटली थोड़ा विथ ही सरप्लस फैट, उससे जो है ज़्यादा मोटा है, इसीलिए वो स्लाइटली धीरे धीरे जाता है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो राइटर उस समय फीडिंग के समय, फीडिंग में जो है उस भोजन को खिलाते समय, तो उस समय राइटर जो प्रेजेंट था वहाँ जो उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और राइटर जो है वहाँ वॉच करता है, वॉच करता मतलब लुक करता, देखता है तो ट्रिस्टन जो उनका सर्वेंट है, नौकर है, स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, वो बाउल कटोरे में फूड को डालता है, ये स्लॉप्ड मीन्स पोर करता है, डालता है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस रस फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड एटिंग, और जब डाला जाता है तो जो सब कुत्ते हैं वो अपना सर उठा करके तेजी से दौड़ करके खाने के लिए जाते हैं। एवरी डॉग न्यू, हर डॉग जो है, एवरी डॉग जो है न्यू, न्यू मीन्स जानता है, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वह पीछे रह जाएगा तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसको अपने अंतिम भोजन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। वेन दे हैड फिनिश्ड, जब सभी डॉग भोजन समाप्त कर लिए, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो ट्रिकी जो है वो शाइनिंग बाउल जो चमकते हुए कटोरे थे उसके आसपास हो गया, लेकिंग कैजुअली इनसाइड वन आर टू ऑफ देम, तो उसमें जो भी अनाज बचे हुए थे उसके अंदर एक दो अनाज, उसको जो है बेमन से लेकिंग करता है, लेकिंग में चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, तो नेक्स्ट डे अगले दिन जो एक्स्ट्रा बाउल मीन्स अतिरिक्त जो एक और बाउल जो है वो पुट डाउन रख दिया गया फॉर हिम मीन्स टर्की के लिए रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और राइटर यहाँ उसको देख करके, सी वॉच करके प्लीज हो जाता है, पी हो जाता है, जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, क्योंकि वह जो है उसके इधर उधर धक्का मुक्की करते हुए वो भी दौड़ रहा था, तो उसको देख करके वो प्लेज हो जाता है, खुश हो जाता है। फ्रॉम देन तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से ट्रिकी की भाग दौड़ तेज हो गई, मतलब जो है फुर्त हो गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार की दवा नहीं दी गई थी, बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन ही रन अबाउट विद द डॉग्स, वो डॉग्स के साथ रन अबाउट करता था, मतलब दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वो अपने फ्रेंड के साथ धक्का मुक्की करते हुए, संघर्ष करते हुए शामिल हो गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, तो ही डिस्कवर्ड, वह पता लगा लिया था या जान लिया था द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, जो कि वह साथ में रहने के खुशी को जान लिया था। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वो जो है ट्रैम्प्ड कर दिया जाता था, कुचल दिया जाता था, एंड स्क्वेश्ड एवरी मिनट, और हर समय उसको प्रेस कर दिया था, स्क्वेश्ड में प्रेस कर देते थे, दबा देते थे, तो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड मेंबर, वह जो है एक्सेप्ट मीन्स
स्वीकार कर लिया था मेंबर सदस्य ऑफ द गैंग, अपने गैंग का, अपने गैंग का वो एक स्वीकृत मेंबर हो गया था। एन अनलाइकली और असामान्य रूप से सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्क जैसे वो छोटा, उसके बाल सिल्क जैसे थे। एमंग द सैगी क्रू और सैगी क्रू के साथ में, क्रू मीन्स समूह में था। फाइटिंग फाइटिंग लाइक टाइगर, लाइक ए टाइगर फॉर ए शेयर एट मील टाइम, और फाइटिंग लड़ाई करता था लाइक ए टाइगर, जैसे टाइगर फाइट करते हैं उसी तरह वो भी फाइट कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। फॉर ए शेयर, जो उसको शेयर मिलना चाहिए एट मील टाइम, भोजन के समय, भोजन के समय जो भी उसको शेयर करना चाहिए उस शेयर को अपने पाने के लिए वो फाइटिंग करता रहता था। एंड हंटिंग राइट्स इन द ओल्ड हैन, और जो ओल्ड हैन हाउस जो था, मुर्गी का पुराना घर जो था, उसमें राइट को का हंटिंग करने के लिए जाता था एट द नाइट, रात के समय। तो ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, तो उसके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ था उसके लाइफ में, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो ऑल द वाइल सब समय मिसेज पेम्परे हावर्ड एनएसएसली इन द बैकग्राउंड, तो मिसेज पेम्परे जो थी वो अपने घर पर एनएसएसली वरिंग, चिंता करते हुए इधर उधर दौड़ रही थी, इधर उधर घूम रही थी अपने घर पर, उसके लिए रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और लेटेस्ट बुलेटिन में हाल के समाचार जानने के लिए एक दिन में कई दर्जनों बार वो जो है रिंग करती थी, फ़ोन करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली आर हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, तो आई डॉज्ड, लेखक जो है, राइटर जो है वो अनदेखा कर देखा देता था, मतलब जो है जवाब नहीं देता था क्वेश्चन, प्रश्नों का, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस कि उसके गद्दियों को वर बीइंग टर्न्ड, बदला गया कि नहीं बदला गया, रेगुलरली नियमित रूप से उसको, उसके गद्दियों को, उसके क्वेश्चन को टर्न किया जा रहा है कि नहीं, ये सब का जो है वो जब डॉज करता था वो जवाब नहीं देता था। हिज आर हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, और वेदर के अनुसार उसके कोट को सही समय से पुटान किया गया कि नहीं, पहनाया गया कि नहीं, ये सब को वो जवाब नहीं देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, राइटर जो है उस चीज़ को का आंसर देता था, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि डॉग जो है खतरे से समय बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और जल्द ही ठीक हो रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।